Good morning, students. In our last class, we have discussed the Carnot engine and the Carnot cycle. That was a very important topic. Now, from today, we are going to start our new topic, that is the principle of refrigeration, right? जो refrigerators होते हैं, refrigerators या जो refrigeration process होती है, वो किस तरीके से होती है? ऑल्सो क्या मैकेनिज्म होता है एक रेफ्रिजरेटर का और कार्नोट साइकिल और एक कार्नोट इंजन और एक रेफ्रिजरेटर में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट? सो अभी तक हमने पढ़ा हीट इंजन, कार्नोट इंजन, और ये जो दोनों इंजन्स थे वो क्या किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे थे, ये सोर्स से कुछ अमाउंट ऑफ हीट ले रहे थे, उस पर कुछ वर्क कर रहे थे और जो बची हुई हीट है वो सिंक को दे रहे थे, राइट? इसी प्रिंसिपल पे हमारा हीट इंजन और कार्नोट इंजन दोनों इंजन जो थे वो वर्क कर रहे थे. अब रेफ्रिजरेटर जो होता है वो जस्ट इसके उल्टे प्रिंसिपल पे वर्क करता है. ये सोर्स से हीट नहीं लेते हुए सिंक से हीट लेता है और उस हीट की हेल्प से कुछ वर्क करेगा वर्किंग सब्सटेंस पर और जो बची हुई हीट है वो सोर्स को दे देगा. मतलब सिंक जो कि ऑलरेडी लो टेम्परेचर पे है ये उससे भी हीट ले लेगा और बची हुई हीट ये सोर्स को दे देगा जो कि ऑलरेडी एक हाई टेम्परेचर पे है. और इसीलिए जब भी हम फ्रिज में कोई सामान रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है. क्यों ठंडा हो जाता है? क्योंकि वो सामान ऑलरेडी हम उसको थोड़ा सा ठंडा एक रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हम उसको फ्रिज में रखते हैं तो वो ऑलरेडी ठंडा होता है. तो जो फ्रिज है उसने क्या किया, उसमें से और ज़्यादा हीट को एक्सट्रैक्ट कर लिया. तो जब उसमें से और ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो वो कंपैरेटिवली और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा. और इसी प्रिंसिपल पे जो रेफ्रिजरेटर्स हैं वो वर्क करते हैं कि सिंक से हीट लेकर सोर्स को हीट देना, राइट? तो जैसे हमने एक हीट इंजन के एपरेटस के बारे में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे भी बेसिकली रेफ्रिजरेटर वो जो कि सिंक से हीट लेकर सोर्स को दे, या हम ये भी बोल सकते हैं द एपरेटस दैट एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द सिंक विच इज एट लो टेम्परेचर एंड आफ्टर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम मोर हीट बी गिवन टू द सोर्स विच इज ऑलरेडी एट द हाई टेम्परेचर. और ऐसा डिवाइस जो कि इस प्रिंसिपल पे ऑपरेट किया जाए हर उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेटर. हमारे घरों के जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उसको भी हम वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं. यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस हम यूज करेंगे उसको बोला जाता है रेफ्रिजरेंट, राइट? वो वर्किंग सब्सटेंस जो आप यहाँ पे यूज करोगे उस वर्किंग सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट. तो समझते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे किस तरीके से जो है वो वर्क करता है, राइट? तो जैसे हमने वहां पे मेन पार्ट्स देखे थे एक हीट इंजन के, एक कार्नोट इंजन के, वैसे ही यहाँ पे भी जो मेन पार्ट्स होंगे बेसिकली तीन मेन पार्ट्स, सोर्स, सिंक एंड द थर्ड वुड बी वर्किंग सब्सटेंस, राइट? सो हमारे पास तीन जो है वो तीन मेन पार्ट्स हैं ऑफ द रेफ्रिजरेटर. सो व्हाट दीज आर द बेसिकली द मेन पार्ट्स. अभी किस तरीके से हम यहाँ पे वर्क किया जाता है वो समझते हैं. सो जब भी हम एक रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो रेफ्रिजरेटर में हमने ये बना लिया हमारा सोर्स. सोर्स एक इनफाइनाइट हीट का रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर हमेशा T1 रहेगा, चाहे आप उसको कितना भी टेम्परेचर दे दो, राइट? जो सोर्स है वो एक हाई टेम्परेचर पे है एज कम्पेयर टू द सिंक. यहाँ पे हमने बना लिया हमारा वर्किंग सब्सटेंस. जनरली रेफ्रिजरेटर में जो वर्किंग सब्सटेंस यूज होता है दैट इज बेसिकली द फ्रेयॉन गैस, राइट? जो वर्किंग सब्सटेंस होता है एज अ वर्किंग सब्सटेंस हम फ्रेयॉन का यूज करते हैं. तो जो हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स में बोला जाता है कि गैस भरी हुई है, गैस खत्म हो गई, तो वो जो गैस होती है वो गैस इज नथिंग बट द फ्रेयॉन गैस. फ्रेयॉन गैस का सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होता है CCl2F2, राइट? इसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास CCl2F2. और यहाँ पे हमने ले लिया हमारा सोर्स.
which is again at constant, sorry, this is our sink, which is again the heat reservoir of infinite heat capacity, जो कि एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे रहेगा, और इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो एक्सट्रीम लो, दैट इज T2 केल्विन, जिससे मैं कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट कर लूँ इसका टेम्परेचर कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, राइट, सॉरी डिक्रीज नहीं होगा, चाहे आप इससे कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट कर लो। सो जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या करेगा, बेसिकली कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो इस सिंक से लेगा, और उस अमाउंट ऑफ हीट हमने मान लिया Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है उसने सिंक से ली, उस पर्टिकुलर हीट पर कुछ वर्क किया, दैट वर्क डन हमने मान लिया बेसिकली दैट वर्क डन इज W, और जो बची हुई हीट है वो उसने इस Q1 को दे दी, तो Q1 के पास कितनी हीट गई, Q1 के पास जो हीट गई वो किसके बराबर, जो सिंक से हीट ली गई थी उसमें, और जितना वर्क डन हुआ इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी बेसिकली द Q1, that is the amount of heat which is given to the source after doing work on the by the working substance, right? So इस principle पे जो refrigerator है वो work करता है. Basically जैसे हमने वहाँ पे coefficient of efficiency पढ़ा, मतलब जैसे हमने हीट इंजन की एफिशिएंसी के बारे में डिस्कशन किया था, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी के बारे में डिस्कशन किया था, वैसे ही हम यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और उसके लिए एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन डिराइव करेंगे. नाउ हम एफिशिएंसी के लिए जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव करते हैं, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन, राइट, प्रिंसिपल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन, जो रेफ्रिजरेटर है उसकी इफिशियंसी के लिए जो कोफिशिएंट होगा उसके लिए हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन, राइट, रेफ्रिजरेशन के लिए जो कोफिशिएंट है उसको हम डिनोट करते हैं बीटा से, बाकी हीट इंजन की जो इफिशियंसी थी उसको मैंने ईटा से डिनोट किया था, बट जो रेफ्रिजरेशन की कोफिशिएंट एफिशिएंसी है या कोफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी है उसको मैं बीटा से डिनोट करूंगा, राइट. इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन बीटा होगा, दिस बीटा इज इक्वल्स टू द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंक, सिंक से जितनी हीट एक्सट्रैक्ट की गई अपॉन में, सिंक से हमने जितनी हीट एक्सट्रैक्ट की है अपॉन में द वर्क डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, वहां पे ये जो रेशियो है वो जस्ट उल्टा होता है, वर्क डन ऑन वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस पे कितना वर्क डन किया गया है, सो हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन में वर्क डन ऑन वर्किंग सब्सटेंस, इन दोनों का जो रेशियो होगा That ratio will be basically tells us the coefficient of refrigeration, कि मतलब आपका जो refrigerator है वो कितना efficiently work कर रहा है, right? अब अगर हम बात कर रहे हैं कि कितनी heat sink से extract हुई है, so the amount of heat which is extracted from the sink is basically Q2, Q2 amount of heat जो है वो sink से extract हुई, work done मैंने मान लिया that work done is supposed to be W, right? जो work done है उसको हमने मान लिया W. यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं तो W की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी Q1 माइनस Q2, राइट, बीटा इज इक्वल्स टू Q, और इसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बीटा इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन में Q1 माइनस Q2, और एक काम करते हैं हम यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं सबको Q1 से डिवाइड कर देते हैं, राइट, सो ऑन डिवाइडिंग द RHS the numerator and denominator of RHS by Q1. हमने RHS में जितनी भी terms हैं उनको सबको Q1 से divide कर दिया, so that I will get this beta is equals to Q2 upon में Q1 upon में Q1 upon में Q1 is ultimately cancel हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 minus Q2 upon Q1. एक चीज और पता है आपको, this Q2 upon Q1 is equals to T2 upon T1 is equals to eta. ये चीज हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, राइट, दिस Q2 अपॉन Q1 जो है वो किसके बराबर होता है, ईटा के बराबर.
या इसको भी हम पहले ऐसे लिखते हैं कि हमको ये भी पता है दिस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन में T1, तो मैं इस बीटा को ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट दिस बीटा इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 1 माइनस T2 अपॉन T1, राइट। दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर बीटा। तो इस तरीके से हमने हीट और टेम्परेचर दोनों के टर्म्स में जो बीटा है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, राइट। अब दिस वॉज बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमने बेसिकली दो कोफिशिएंट पढ़े बीटा और ईटा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एक हीट इंजन और एक रेफ्रिजरेटर दोनों की एफिशिएंसी का रेशो, उन दोनों के बीच की एफिशिएंसी जो होती है दैट इज बीटा एंड ईटा रिस्पेक्टिवली, हमको उनके बीच का रिलेशन निकालना है, राइट। सो वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दिस बीटा एंड ईटा। हमको इस बीटा और ईटा के बीच का जो रिलेशन है वो निकालना है। सो बीटा और ईटा के बीच का रिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं वो समझते हैं। आई कैन राइट दिस बीटा इज इक्वल्स टू T2 अपॉन में T1 माइनस T2, राइट। अभी हमने जो एक्सप्रेशन निकाला उसके हिसाब से मैं बीटा की वैल्यू पुट कर सकता हूँ दैट दिस बीटा इज इक्वल्स टू T1 अपॉन में T1 माइनस T2। अब हम एक काम करते हैं ऑन एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड्स 1 से ऐड कर दिया, राइट। ऑन एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड्स 1 ऐड कर दिया, और जब हमने दोनों साइड 1 ऐड किया है तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 1 ऑन बोथ द साइड्स। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे सो दैट वी विल गेट T2 प्लस T1 माइनस T2 अपॉन में T1 माइनस T2, और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू T2 से T2 कैंसल T1 अपॉन में T1 माइनस T2, राइट। सो आपके पास ये एक वैल्यू आ गई दैट इज T1 अपॉन में T1 माइनस T2। आपको एक चीज और पता है दैट कोफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, राइट। इफ कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो किसके बराबर होती है T1 माइनस T2 अपॉन में T2, राइट। जो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होती है वो किसके बराबर होती है T1 माइनस T2 अपॉन में T1। So this will be the efficiency of Carnot engine, that is eta is equals to T1 minus T2 upon में T1। ये चीज़ हमको पता है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को reciprocal कर देता हूँ तो जब हम इस इक्वेशन को reciprocal कर देंगे so that we will get T1 minus T2 here, right? Now यहाँ से हमारे पास एक relation आ गया that this eta is equals to beta plus 1 by eta is equals to beta plus 1. तो इन दोनों equations में जो RHS है वो एक दूसरे की equal है. So on equating both these equations, what do we get? हम इन दोनों equations को equate कर देंगे जिससे हमारे पास आ जाएगा beta plus 1 is equals to 1 upon में eta, right? और यहाँ से अगर मुझे इन दोनों के बीच का relation निकालना है तो मैं इस beta को लिख सकता हूँ this beta is equals to 1 upon में eta minus 1, or you can also write this eta taken to be the LCM, or you will get this beta is equals to 1 minus eta upon me eta. This will be the relation between the coefficient of efficiency of both the refrigerator and the Carnot engine, right? So this was basically the relation. अभी तक हमने पढ़े दो laws of thermodynamics, that is the zeroth law and the first law. जो zeroth law of thermodynamics था वो हमको ये बोलता है कि अगर if two systems are in thermal equilibrium with the third system, then they both must be in thermal equilibrium with each other also. ये था जो था हमारा वो zeroth law of thermodynamics था. जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो हमको बोलता है कि जितनी भी हीट आप एक सिस्टम को दोगे वो उस हीट को दो तरीके से यूज़ करेगा. पहला वो उसका यूज़ करेगा अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और दूसरा वो यूज़ करेगा उसका
कुछ वर्क डन करने में। तो ये हमारे पास दो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो थे वो ऑलरेडी थे। अब हम एक और लॉ पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स का, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट। सो बेसिकली तीन लॉज होते हैं थर्मोडायनामिक्स के, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, जिसमें से जीरोथ और फर्स्ट वाला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको बोलता है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जितनी भी हीट आप एक सिस्टम को दोगे वो पूरी की पूरी हीट का यूज वर्क डन के लिए नहीं कर सकता है, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में भी इंक्रीज होती है, या वी कैन से दैट कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है उसका लॉस डेफिनेटली होता है, राइट। तो यही है बेसिकली हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि किसी भी सिस्टम को जितनी हीट दी जाएगी पूरी की पूरी हीट का यूज वो वर्क डन करने में नहीं कर पाएगा, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है उसका लॉस होगा, आइदर टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी और इन सम अदर फॉर्म ऑल्सो। सो केल्विन प्लैंक, ही वॉज अ साइंटिस्ट, दे वर द साइंटिस्ट केल्विन प्लैंक। केल्विन प्लैंक ने एक स्टेटमेंट दिया था अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उनका स्टेटमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट बनता है। सो एज पर देयर स्टेटमेंट, दे स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन टू कन्वर्ट एंटायर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फ्रॉम अ सोर्स टू कन्वर्ट इन टू वर्क। एक हीट इंजन ने सोर्स से जितनी भी हीट ली वो पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, और इस पूरी प्रोसेस में जो एनर्जी का लॉस है वो किसी न किसी फॉर्म में डेफिनेटली होगा, एंड टोटल अमाउंट ऑफ हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन। ये स्टेटमेंट जो था वो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था। इसके अलावा क्लाउजियस, ही वाज आल्सो अ साइंटिस्ट, क्लाउजियस उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था। सो व्हाट वाज हिज स्टेटमेंट, उनका स्टेटमेंट जो था वो ये था, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सिस्टम to transfer heat from body at higher temperature to the body at higher temperature without any external work done on the system by an external agency. So Clausius ने क्या बोला था कि एक body जो कि higher temperature पे है उससे हमने heat extract करके किसी दूसरे system को दी, तो जब हम एक system से heat extract करके दूसरे system को देंगे तो उसके लिए आपको कुछ work done करना पड़ेगा, और ये जो वर्क डन है वो बाहर से होगा, एक्सटर्नली होगा, राइट। तो ये बोला था क्लाउजियस ने। बेसिकली दोनों ही स्टेटमेंट्स का मतलब एक ही है, कि किसी भी सिस्टम को जो हीट दी जाएगी उसका यूज कुछ अमाउंट यूज होगा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और कुछ अमाउंट यूज होगा वर्क डन में। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाए और पूरी की पूरी जो हीट है उसका यूज हम वर्क डन करने के लिए कर पाए। ऐसा हीट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। सो जो कार्नोट इंजन हमने पढ़ा था, हमने ये चीज डिस्कस भी की थी कि वो सिर्फ एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली इस तरीके का कोई भी इंजन मिलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। नाउ एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है वो हम समझ लेते हैं। अ रेफ्रिजरेटर इज वर्किंग बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 80 डिग्री सेल्सियस, What will be its effect of performance? एक रेफ्रिजरेटर है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है, दैट इज आपको इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यूज गिवन है, आपको निकालना है कि उसका कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होगा, दैट इज हमको बीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, राइट। सो इनिशियल टेम्परेचर हमको दिया हुआ है T1 is equals to 0 degree Celsius and T2 is equals to 80 degree Celsius। आपको पता है टेम्परेचर को मेजर करने की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, इट इज नॉट डिग्री सेल्सियस, सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। और आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 से ऐड कर देते हैं, so that we will get this T1 is equals to 273 Kelvin and T2 is equals to 80 plus 273, that is 353
केल्विन, राइट। तो आपके पास टी वन की वैल्यू आ गई 273, टी टू की वैल्यू आ गई 353 केल्विन। अगर मैं इस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी टू अपॉन में टी वन, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, या इसको सॉरी द फॉर्मूला इज टी टू अपॉन में टी वन माइनस टी टू, राइट। सो हमारे पास फॉर्मूला आ गया बीटा इज इक्वल टू टी टू अपॉन में टी वन माइनस टी टू। हमारे पास सारी वैल्यूज यहाँ पे हैं, हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे सो दैट बीटा इज इक्वल टू टी टू, टी टू की वैल्यू हो गई 353 अपॉन में टी वन दैट इज 273 माइनस टी टू दैट इज 353। तो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी एंड यहाँ पे हमारे पास इनको पुट करके जो आंसर आएगा दैट विल बी बेसिकली 353 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम माइनस साइन को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि जो इफिशियंसी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, दैट इज व्हाई वी हैव टू नेगलेक्ट द माइनस साइन। राइट, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस बीटा, द इफिशियंसी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज फाउंड टू बी, अगर आप इसको सॉल्व करें सो 832 34 35 832 8 इट विल बी समथिंग 4.41, राइट। जो रेफ्रिजरेटर आप यूज कर रहे हो उसकी एफिशिएंसी, ओके देयर इज अ माइनर करेक्शन हियर, यहाँ पे टी वन जो है दैट विल बी 5, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू टी वन की होगी और ये वैल्यू जो है वो टी टू की होगी, राइट। बिकॉज जो रेफ्रिजरेटर है वो अपोजिट वर्क करता है, सिंक से हीट लेकर सोर्स को देता है, तो ये जो है वो टी वन की वैल्यू है, ये टी टू की वैल्यू है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 273, दिस विल बी 273, और यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 24 25 26 27 8 32 इट विल बी नियरली इक्वल टू 3.41, राइट। तो आपके पास जो बीटा आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 3.41, दैट इज द रेफ्रिजरेटर जो आप यूज कर रहे हो उसकी इफिशियंसी कितनी होगी 3.41 के अप्रोक्स, राइट। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन द हीट इंजन, कारनॉट इंजन और द रेफ्रिजरेटर। So that's all for today's class. Hence our chapter is completed now. Only this much chapters are coming for your annual examination. So you just need to prepare all these chapters very well. So that's all for today. Thank you.